26 जनवरी को पूरा देश इस बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इसी के साथ कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार पति पत्नी साथ में हिस्सा लेंगे। गणतंत्र दिवस पर पहली बार एक कपल परेड का हिस्सा बनेंगे। हालांकि दोनों पति पत्नी अलग अलग सेना का हिस्सा हैं, लेकिन कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए दिखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाले पति पत्नी इंडियन आर्मी के मेजर सरबजीत सिंह और इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडर चुनौती शर्मा हैं, जो इस बार परेड में शामिल होंगे। आपको बता दें कि चुनौती शर्मा पहले एनसीसी के हिस्से के रूप में कर्तव्य पथ पर मार्च कर चुकी हैं। परेड में शामिल होने पर मेजर सरबजीत सिंह ने कहा कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि मेरे परिवार से कोई पहली बार कर्तव्य पथ पर आया है। ये एक सपना सच होने जैसा है। Participating is your wife is also yes, participating and leading in this Republic Day. Can you talk to us about that? My wife, Assistant Commandant Chunauti Sharma, she is leading the Indian Coast Guard contingent, and it is actually, I think it is happening for the first time that we both husband and wife are commanding and leading a contingent on a Kartavya Path. So it is very grateful moment for us and we are very happy to do that. ने आप में काफी गौरव का क्षण है। एनसीसी को जब हम कॉन्टिजेंट का पार्ट होते हैं तो वुमेन कैडेट्स जो होती हैं उनका कॉन्टिजेंट अलग होता है। अभी इसमें ये फर्क है कि हमारे सारे जवान जो हैं हम उनको लीड कर रहे हैं, सारे वुमेन ऑफिसर्स, तो वो अपने आप में काफी गौरव का क्षण है। और ये परेड इस बार मेरे लिए विशेष इसलिए है क्योंकि मेरे बेटर हाफ, मेरे हस्बैंड जो हैं, वो भी इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं, सिख कंटिजेंट को कमांड कर रहे हैं, तो हम दोनों के लिए देश सेवा का ये अवसर काफी विशेष है। तो चुनौती शर्मा भारतीय तटरक्षक दल का नेतृत्व कर रही हैं और अब दोनों पति पत्नी एक साथ मार्च परेड करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान के मेवाड़ा अंचल से आने वाले मेजर सरबजीत सिंह उदयपुर के रहने वाले हैं, यानी राजस्थान के हैं, और वो 24 बटालियन सिख रेजिमेंट का हिस्सा हैं। चीन सीमा पर तैनात मेजर सरबजीत सिंह को उनकी वीरता और बहादुरी के लिए 15 जनवरी 2023 को भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि ये सम्मान भारतीय सेना में वीरता व कर्तव्य के प्रति समर्पण के व्यक्तिगत कृत्यों के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ओर से प्रदान किया जाता है।